हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपका कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, और हो सकता है आपका 1 या 2 दिन में आपका रिजल्ट आ भी जाएगा। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि दिवाली से पहले पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको बहुत जल्दी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा मेरा, कि आज हम जो बात करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे कि जो आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जो भी लोग उसमें पास हो जाएंगे तो उनके लिए आगे का क्या प्रोसेस है। तो उसके लिए बाद जो आगे का प्रोसेस होगा वो आपका DVPST होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हमारा रिजल्ट तो आया नहीं है, लेकिन सर आखिर ये DVPST की बात क्यों बता रहे हैं? तो देखो, जल्दी जल्दी आपको रिजल्ट आ जाएगा, ये तो आपको पता है। ठीक है, सबको पता। और दूसरा, ये इसके बाद तुरंत ही आपको DVPST के लिए आपको आपका आदेश, जो पास हो जाएंगे लोग, जो बच्चे हो जाएंगे वो, उनके लिए वो आदेश जारी जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन DVPST के लिए आ रहा है। ठीक है, तो देखो, DVPST में क्या होता है, सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट जैसे लगाते हैं, जैसे वो मान लीजिए हाई स्कूल उन्होंने लगाया, ठीक है, तो हाई स्कूल में क्या होता है कि हाई स्कूल जैसे बहुत पहले के लोग, पहले क्या होता था कि हाई स्कूल में सर्टिफिकेट अलग होता था और उसका रिजल्ट, एक जो मार्कशीट होती वो अलग हो जाती थी। ठीक है, ये है आधार कार्ड जैसे उन्होंने लगाया कोई और लेके कोई और चले गए। ठीक है, जैसे उसमें भी गलतियाँ होती, मैं बताऊँगा भी क्या गलती होती है। निवास प्रमाण पत्र क्या में क्या गलती हो सकती है, जाति प्रमाण पत्र में क्या गलती हो सकती है, तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि आखिर में इसमें गलतियाँ होती क्या DVPST में, जिसके लिए मैं ये बुलाया हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपको जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है, अब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में क्या होगा कि आपका एक तरीके से उसमें लिस्ट जारी होगी कि कौन कौन इसमें सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, DVPST के लिए। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये तो चलिए आपको हो ही जाएगा। उसके बाद क्या है आपका, अब DVPST के लिए क्या, तो DVPST के लिए तो आपका देखो, पहले तो जो भी लोग सेलेक्ट होंगे उनका एडमिट कार्ड आएगा कुछ दिनों बाद। ठीक है, जल्दी नहीं तो मतलब कुछ ही दिनों में आ जाएगी, जल्दी जल्दी प्रोसेस वैसे भी चल रहा है तो हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो उनका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि क्या कैसे क्या 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 चीज़ें लानी है। तो ठीक है, अब गलतियाँ क्या होती वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है कि जो आपका एडमिट कार्ड निकलेगा DVPST के लिए, ठीक है, उस एडमिट कार्ड को आपको निकालना है। ठीक है, और उसमें उसको लेके जाना है, उसके भी 2-4 अपना एक दो जो भी सेट है आप, मतलब उसके हिसाब से फोटो कॉपी आप करा लेना। ठीक है, उसके साथ ही क्या है आपको हाई स्कूल इंटर और ये दोनों, पहले तो इसको देखिए आप, इसमें क्या गलतियाँ होती हैं। इसमें गलती ये होती है कि जैसे कि आपका पहले के जो रिजल्ट निकलते थे उसमें क्या होता था, सर्टिफिकेट अलग निकलता था। ठीक है, तो अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है, मार्कशीट अलग है, तो आप दोनों को एक साथ ले जाइएगा। ठीक है, हाई स्कूल का भी एक सर्टिफिकेट और इंटर का भी सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ ले जाइएगा। ठीक है, और लेकिन वैसे तो ये कि 2010-11 के बाद से जो भी आपकी मार्कशीट, जो भी आपका मार्कशीट होती है उसमें आपका सर्टिफिकेट लग के ही आता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पहले अगर जिनका अलग अलग है तो आप जरूर ले जाइएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है वो आपका जाति प्रमाण पत्र है। ठीक है, OBC, EWS, SC, ST, ठीक है, सबके में जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, मतलब जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था वो आपके पास होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे शायद तो आप जाति प्रमाण पत्र में भी आपका 3 महीने की ड्यूरेशन हो गई है, अगर बाई चांस ऐसा हुआ हो कि आपने फॉर्म भरा हो उस समय वो खत्म होने के, उसके जो डेट है वो खत्म होने वाली हो, तो आप अगर नए, आप तुरंत ही क्या करिए, नया बनवा लीजिए। ठीक है, लेकिन जब आप वहाँ जाना तो पुराना और जो आपने लगाया था और जो नया है वो भी दोनों लेके जाइएगा। ठीक है, मेरा ऐसे हुआ था कि मेरा जो था वो खत्म हो गया था उसमें, तो मैंने उसको नया वाला भी ले गया था, मैं पुराना भी, तो आप दोनों दिखा दीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, बस आपको सही होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, जो डिटेल आप उस जाति प्रमाण पत्र में हो वही आपकी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है आपका ये कि निवास प्रमाण पत्र। तो निवास प्रमाण पत्र में आपका उसमें वही चीज़ है कि अगर आपका मान लीजिए आपने फॉर्म भरते समय आपका जो था निवास प्रमाण पत्र आपका, मतलब जो आपने भरा था, मतलब जो उसमें भरा था फॉर्म भरते समय, और आप मान लीजिए उसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो गई हो और आपने अगर नया बनवाया होगा, तो आप क्या करिएगा कि उसको भी नया और पुराना दोनों लेके जाइएगा, सेम जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट बताया वैसे इसका भी। ठीक है, तो आप ये इन दोनों में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ना करिएगा कि नया उठा ले जाए या पुराना ले जाए, आप दोनों ले चले जाइएगा। ठीक है, ज़्यादा ले जाइए डॉक्यूमेंट, कम ना हो आपको। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट आपका ये है कि ग्रेजुएशन। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन आपने शो किया है तो आप ग्रेजुएशन ले जाइएगा, मतलब उसकी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाइएगा, वरना आप अगर नहीं लगाया तो आपको ले जाने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपका जो छठा पॉइंट है वो आपका आधार कार्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आधार कार्ड है। ठीक है, तो आधार कार्ड ध्यान रखिएगा, आपने जब फॉर्म भरा हो, ठीक है, उसके बाद कोशिश करिएगा कि आप आधार कार्ड को चेंजमेंट ना कराइएगा, अगर आपने चेंजमेंट कुछ कराया भी है तो पुराना वाला और नया वाला, और उसके लिए एक करेक्शन सर्टिफिकेट, जो एक
वो लगता है एफिडेविट, ठीक है वो आप लोग लेके जाइएगा, ठीक है वो तो चलो आप देख लीजिएगा। बाकी कोशिश करिएगा जो आधार कार्ड आपने लगाया है जैसा भी लगाया वैसा ले जाइएगा, और ओरिजिनल ले जाइएगा। वो लोग क्या कहते हैं प्लास्टिक वाला जो एक बनवा देते हैं, एक प्लास्टिक टाइप बनता है, उस तरीके में ले जाइए। कभी कभी क्या होता है वो प्लास्टिक वाला मना करते हैं, ठीक है तो आप अपना आधार कार्ड का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका है आपका सातवां पॉइंट है वो आपका फॉर्म का प्रिंट आउट। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो आपने फॉर्म सबसे स्टार्टिंग में जो भरा था, ठीक है उस फॉर्म को आप जरूर है कि निकाल के लाए होंगे या आपने मेल पर रखा होगा, तो उस फॉर्म को जरूर निकलवा कर रख लीजिए, ठीक है क्योंकि बाद में क्या होता है कि लास्ट टाइम जब वही फॉर्म आपको जरूरत पड़ती है जब आपको फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है तो आप मेडिकल टाइम में, ठीक है तो आप उस फॉर्म को निकाल के अभी रख लीजिए और कहीं सेव रख लीजिएगा, ठीक है या मेल पड़ा है तो मेल से भी आपको निकाल ही लीजिएगा क्योंकि DBBST में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका आठवां पॉइंट है वो आपका है एफिडेविट, ठीक है तो यहाँ पर आपको एफिडेविट मांगेगा उसमें लिख के आ जाएगा कि 50 वाला या 100 वाला जो भी एफिडेविट मांगेगा वो आप अपना तहसील देख कर चली जाएंगे तो आराम से आसानी से बन जाएगा, ठीक है तो इसके लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका 10वां नंबर है करेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है तो ये क्या होता है तो ये वो होता है जैसे कि आपका अगर हाई स्कूल में नाम गलत है, जैसे मान लो किसी का रवि नाम RAVI लिखा है और इंटर में उसका RAVII हो गया है किसी तरह, तो अगर इस तरीके से गलतियाँ जो होती हैं तो हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएट मतलब हाई स्कूल इंटर में अगर आपका नाम चेंजमेंट है, ठीक है नाम कुछ अलग स्पेलिंग अलग है तो वही करेक्शन सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है तो एक तरीके एफिडेविट होता है, ठीक है करेक्शन एफिडेविट होता है तो उस एफिडेविट को आपको क्या करना लगाना पड़ेगा, ठीक है तो वो आप अपने साथ जरूर ले जाइएगा, ठीक है। फिर आपकी एक होती है चेकलिस्ट, ठीक है वो आपको निकल जाएगी वो वहीं आपके उसी में साइड से निकल जाएगी, ठीक है तो वो चेकलिस्ट में क्या होता है ये लिखा होता है कि आपको क्या क्या ले जाना है, मतलब क्या क्या है आपके पास हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, तो उसमें आपको टिक लगाना रहता है कि आपको बस उसमें ये दिखाना होता है कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है तो वो चेकलिस्ट भी आप निकलवा लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आप दो लगभग सेट ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है ये तो आपका ओरिजिनल रहेगा और दो फोटो कॉपी रहेगा, दो क्या आप कर लो तीन सेट रखिएगा, ठीक है मैं जब गया था तो मैं कम से कम चार सेट लेके गया था, मुझे ये लगा कि ऐसा ना हो रास्ते में कोई दिक्कत आ जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है तो आप कम से कम दो या तीन सेट आप लेके जाइएगा, ठीक है तो उसमें साथ एक में ही रहेगा, हो सकता है आपको सेल्फ अटेस्ट मांगेगा लेकिन आप अभी मत करिएगा वो तो आप वहाँ जाएंगे जब आप बैठेंगे सबके साथ, तो आप अगर वहाँ बोला जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है तो आपको दो सेट हो गए एक ओरिजिनल सेट हो गया, और ओरिजिनल सेट जो है जैसे चेकलिस्ट हो वैसे ही आप अपनी जो एक फाइल एक टाइप की बना के जाइएगा, फाइल टाइप में ले जाइएगा, ठीक उस फाइल में उसी क्रम में रखिएगा, ये ना हो कि आपका अगर हाई स्कूल मतलब वहाँ हाई स्कूल पहले मांगे तो आप ट्वेल्थ लगा दो, ठीक है मतलब इंटर का आप पहले लगा दो तो क्रम से रखिएगा जैसे आप चेकलिस्ट में हो वैसे आप अच्छे से वो लगे, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके सामने आप अगर रखो तो उनको ये ना लगे कि ये ऐसे ही है, ठीक है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए वहाँ जाएंगे, ठीक है तो आप जहाँ भी होगा मान लीजिए तो पुलिस लाइन में ज़्यादातर ऐसा होता है, ठीक है तो पुलिस लाइन में अगर आपको बुलाया जाता है तो आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बैठा दिया जाएगा, हो सकता है लड़कों को अलग बैठा दें लड़कियों को अलग बैठा दें, ठीक है आपका नाम हम नोट कर लिया जाएगा उसी हिसाब से सर नाम नोट कर लेंगे या आपको हो सकता है एडमिट कार्ड भी नोट कर आपका जमा कर लें, उस हिसाब से आपको धीरे धीरे बुलाया जाएगा तो आप वहाँ जाएंगे अंदर एक एक करके वहाँ 5-6 तरह के डेस्क बनी होंगी सब जगह हर मतलब सब डेस्क पर अलग अलग तरह के अधिकारी बनेंगे बैठे होंगे, कोई मतलब जात प्रमाण पत्र दिखने वाला अलग मार्कशीट दिखने वाला अलग तो ये सब चीज़ें, ठीक है तो जब आप ये सब पूरा प्रोसेस में आप जाएंगे वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है वहाँ टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी आपको आराम जाइएगा। हाँ और हाँ एक चीज़ और जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप जो आपने फॉर्म भरते समय आपने फ़ोटो लगाई हो उस फोटो कम से कम मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि उसी फोटो कम से कम 20-30 कॉपी करा कर रख लीजिए अभी से, ठीक है वो आपको आगे जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ लेकिन आप करवा लीजिएगा आपको आगे जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि जो जैसे फोटो उसमें लगी हुई ना वही आप ले जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैंने यही किया था क्योंकि क्या होता है ना अलग अलग फोटो होती है जैसे किसी ने बाल लंबे रखे हैं उस समय उसमें भी छोटे कर दिए या दाढ़ी रखी दाढ़ी हटा दी तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो फोटो आप लगाइए कोशिश करिएगा वही फोटो आप ले जाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है पासपोर्ट साइज की, ठीक है तो आप इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है तो बस वही है कि आपके मैंने बताया जैसे कि आप वहाँ बाहर बैठे रहेंगे आप
आपको धीरे धीरे बुलाया जाएगा। अलग अलग आपके टेस्ट कराएंगे, उस पर आप जाएंगे, आपका थंब ये सब आपका चेक किया जाएगा कि आप असल में वही हो जिसने फॉर्म भराया, जो ये आप पेपर दे के आया। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद फिर आपके ये सब हो जाने के बाद आपका वहीं पर हाइट और वेट आपका चेक होगा। ठीक है, हाइट आपकी क्या होगा, एक मशीन लगी होती है वो आपको पता होगा, मतलब आप देख लो तो कि हाइट के लिए एक मशीन लगी होती है, वो अपना आएगा पीछे से ऐसे वो आपको खड़ा कर देंगे। हाँ, अगर बॉयस हैं आप, ठीक है, मेल है तो आपको एक ध्यान है, आपको हो सकता है आपको पूरे कपड़े उतार दें, कपड़े उतार देंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर आप जो है अपना जो भी अंडरवियर है वो थोड़ा अच्छे से पहन जाइएगा, कि ऐसा मत करिएगा कि ऐसे घर भर की फटी पुरानी साल दो तीन साल पुरानी, मतलब इस चीज़ को आप वैसे ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपके कपड़े पूरे उतरवा दिए जाएंगे, आप अकेले अंडरवियर में रहेगा। ठीक है, वहाँ पर मेल मतलब फीमेल भी हो सकता है आसपास बैठी हो, या मेल इसमें फीमेल स्टाफ भी हो सकता है, थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा फनी भी वाली बात है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या आएगा, आपका एक फीता होगा, उससे क्या होगा कि आपका सीनर आप पर जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा हाँ, और हाइट की एक चीज़ बता दें, हाइट में आपका क्या है, वही आपकी जो हाइट नापा जो नापी जाएगी, तो आपकी 168 और 152 जो आपकी मेल फीमेल के हिसाब से, वो आप अपने ध्यान रखिएगा कि उतनी आपकी हाइट जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक, उससे नीचे होती है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी और आप बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी हाइट हो गई। और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका एक फीता होता है, उससे आपका सीना नापा जाता है, मेल का नापा जाता है, फीमेल का नहीं होता। मेल में क्या होता है कि आपका सीना नापेंगे पहले नॉर्मल, फिर आपको फुला कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा, फिर आराम से हो जाएगा, कोई सी दिक्कत नहीं। वहाँ का जो भी स्टाफ होता है, पहले मैं बता दूँ, वहाँ का जो भी स्टाफ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आपको कोई नहीं चाहेगा कि आप बाहर भी जाओ। ठीक है, तो बहुत आराम से रहिएगा, बस कोई बदतरीके बिजी मत करिएगा, जैसा वो कहते हैं वैसा आप करिएगा। कोई आपसे अगर थोड़ा सा बोल भी दे रहे मतलब अगर किसी तरीके से, तो आप इन्हें सोचिएगा इन्हें कैसे, तो आप आराम से मतलब चिल होकर जाइएगा, बढ़िया टेंशन ना लीजिएगा, आराम से। वहाँ का जो भी होता है बड़ा कॉपरेटिव होता है। ठीक है, वहाँ का जो भी स्टाफ होगा, चाहे बड़े अधिकारी हो चाहे छोटे वाले हों, ठीक है, तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और शायद इसके बाद आपका वेट भी नापा जाए, थोड़ा इसकी मुझे नॉलेज है कि हो सकता है वेट भी आप वहाँ पर नापा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और फीमेल का वेट नापा जाएगा, तो फीमेल के साथ मेरे हिसाब से 40 किलोग्राम होता लगभग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेट होना चाहिए। ठीक है, फीमेल का वेट हो गया और मेल का अपना वेट होना चाहिए। ठीक है, तो मेल के वेट का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें कितना भी हो, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आराम फिट जाएगा, फिट तो आप हो ही रहोगे, क्योंकि आप अगर रनिंग कर रहे हो तो फिट आप ऑटोमेटिक आप हो ही जाएंगे। ठीक है, बस फीमेल थोड़ा ध्यान रखिएगा, शायद 40 से आपको कम होना चाहिए, 40 की प्लस ही होना चाहिए, तो आप रनिंग नहीं कर रहे होंगे, तो अपना खिलाई पिलाई पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब एक बार ASI का एग्जाम देने गया था, तो वहाँ पर एक फीमेल आई थी मेरे सामने, ही होता तो शायद उनका वेट कम था, तो काफ़ी वहाँ उनको शायद दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर उन्होंने लगी थी थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो आपके पास ऐसे नौ बनना है, तो अपना वेट आप मेंटेन रखिएगा, और अगर जिसको जैसे लगता है कि वेट बहुत कम है मेरा, वहाँ पर अगर मतलब इस हिसाब से वैकेंसी इस मतलब भर्ती के हिसाब से मेरा बहुत कम है, तो आप ध्यान रखिए केले वेले रखिएगा, रखिएगा ऑप्शन में। तो आप क्या करिएगा कि अगर आपको ऐसा लगे वेट वेट का, तो आप केले वेले खा लीजिएगा, उसमें तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, वहाँ का वैसे स्टाफ आपको खुद ही सब कुछ बता देगा। ठीक है, तो वो भी ये पॉइंट कुछ कम ही है, ये नहीं कि अगर आप मान लो 40 किलो मांगा गया, आप 25 किलो की हो या 30 किलो की हो, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा, मेरा फील दोनों के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको जब सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके बाद आपका एक बाहर लिस्ट लगा दी जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं कौन लोग चयनित हैं कौन नहीं, और मोस्टली जगह 100 लोग जाते हैं, सभी लोग चयनित हो जाते हैं, उसमें कोई सी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बस आप ये ध्यान रखिएगा, कोई भी आप बदतमीजी मत करिएगा, कोई भी आप किसी तरीके का वहाँ दुर्व्यवहार मत करिएगा स्टाफ के साथ। ठीक है, और बस ये ध्यान रखिएगा, जो फर्जी टाइप के लोग हैं वो लोग जो सावधान है, अगर वहाँ आप कोई भी चीज़ उसे पकड़े जाते हैं, ठीक है, अगर आप कोई फर्जी चीज़ें वहाँ लगाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो आप भी समझिए आपको उचित कार्रवाई हो जाएगी। तो आप ये ध्यान जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी UPSI में भी ऐसा हुआ था, आपको पता होगा इस चीज़ें, आपको देखा होगा, तो आप इस चीज़ को भी विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गई होगी। अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो छूट गई हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझसे ऐसे पर्सनली जो भी मुझसे ऐड हैं, ठीक है, फेसबुक मैसेंजर, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जो भी मुझसे ऐड है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी बस ये है, बाकी आप एक दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। ठीक है, और आपकी तैयारी चली रही, तैयारी जो आपकी ट्रेनिंग वेनिंग की वो आपकी चली रही है, वो मैंने बताई दिया है, वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ अपना आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और अपनी तैयारी करते रहिए। और ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं आपको अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं PC विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।